नमस्कार, मैं रुचि, आपका स्वागत है जन संदेश टाइम्स में। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार मुश्किल में है, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में सरकार बनने को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। सुनिए, शेखावत साहब कह रहे हैं कि राजस्थान में सचिन पायलट से थोड़ी चूक हो गई, थोड़ी खामी रह गई। अगर मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में सब कुछ ठीक ठाक हो जाता तो यहां भी भाजपा की सरकार बन जाती। खैर, ट्विटर पर वीडियो वायरल हो और यूजर क्लास ना ले बमुश्किल ही होता है, फिर क्या था, यहां भी क्लास लगा दी गई। सुनील चौधरी ने लिखा कि क्या बात है, बहुमत को पैसे के दम पर चुराने का काम सरकार करती है, इससे ज्यादा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाली बात क्या होगी। प्रतीक मिश्रा ने लिखा, फूट डालो और शासन करो, ये अंग्रेजों की नीति थी और वो तो हम देख नहीं सके, लेकिन भाजपा को जरूर देख रहे हैं। नागेंद्र कुमार ने लिखा कि लोकतंत्र में जनतंत्र की बोली लगाई जा रही है, खरीदी गई सरकार जनता की भलाई के बारे में नहीं सोच सकती। गौरांग परमार ने लिखा, विधायक को खरीद कर ही सरकार बनानी है तो इलेक्शन क्यों कराते हो, क्या लोकतंत्र है, क्या सिर्फ कागजों पर ही लोकतंत्र बचा है। वहीं एक यूजर ने लिखा कि सचिन पायलट को ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा गद्दार समझा है क्या। बता दें कि जयपुर में एक सभा को संबोधित करने के दौरान दिए गए शेखावत के इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया। खुद सचिन पायलट ने पलटवार करते हुए कहा कि जनता समझ गई है, अब वह आपको चुनने की चूक नहीं करेगी और झूठे वादों में नहीं फंसेगी। पायलट ने आगे कहा कि राजस्थान के मंत्री होने के बावजूद शेखावत अपने गृह राज्य की मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री ने मंच से घोषणा की थी कि ERCP प्रोजेक्ट शुरू किया जाए।